हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार आपका फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, फाइनली एपिक्स लेजेंड मोबाइल का बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। मैंने सुबह वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म भी कर दिया था सभी लोगों को। और गाइस, बहुत से लोगों को मिल चुका है ये अपडेट, लेकिन बहुत से लोगों को अपडेट नहीं मिला है प्ले स्टोर के ऊपर। अब गाइस, कौन से लोग हैं जिनको अपडेट ये मिला है प्ले स्टोर के ऊपर, और कौन से लोग हैं जिनको अपडेट नहीं मिला है, और जिन लोगों के में डिवाइस अनकम्पेटेबल का इशू हो रहा है, तो गाइस इनडायरेक्टली बोलूँ तो जिन लोगों के में ये गेम नहीं चल पा रहा है, वो कैसे इस गेम को चला सकते हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखते रहिएगा अगर आप इस बीटा वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। और गाइस, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले बात करते हैं बीटा अपडेट की, कि ये बीटा अपडेट किन लोगों को प्ले स्टोर पर मिल रहा है। तो गाइस, अगर आपने इससे पहले फिलीपींस बीटा खेल रखा था प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या फिर इंडिया वर्जन का जो बीटा था जो लॉन्च हुआ था वो खेल रखा था प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरी तरह, तो आपको अपडेट का ऑप्शन मिल चुका होगा, आपने अपडेट भी कर लिया होगा, आप खेल भी रहे होंगे। लेकिन गाइस, जिन लोगों ने जैसे कि अभी थर्ड बीटा लॉन्च हो रहा था उसके लिए प्री रजिस्टर किया था, जैसे कि प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, तो जिन लोगों ने थर्ड बीटा के लिए प्री रजिस्टर करके रखा हुआ था उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिल चुका है डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला है। बहुत सो के मैं तो भाई पहले प्री रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा था, देन बाद में डिवाइस अनकम्पेटेबल का इशू हो रहा है। और गाइज, इनडायरेक्टली बोलूँ तो बहुत सो के मैं डिवाइस अनकम्पेटेबल, और गाइज बहुत सो के मैं प्री रजिस्टर का ही ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बहुत ही कम, बहुत ही लेस यूजर्स हैं जिनको बस अभी प्ले स्टोर पर मिला है डाउनलोड के लिए। लेकिन गाइस, बात करते हैं कि तो अब भाई जिन लोगों को नहीं मिला है खेलने के लिए वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सिंपल है, आप टैप टैप से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, क्या मेथड है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेथड बहुत ज़रूरी है, अगर आप जाएंगे डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो गाइस डाउनलोड नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो आपके में एरर कोड ही शो होने वाला है। तो गाइस, उसे कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको आगे सब कुछ बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, देन वहाँ पर आपको पांडा वीपीएन नाम का एक वीपीएन मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, फ्री है। अब गाइस, उसे डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली हांगकांग का सर्वर कनेक्ट करना, जो कि बहुत आसान है, सभी लोग कर लेंगे। देन गाइस, हांगकांग का वीपीएन कनेक्ट करने के बाद में आपको टैप टैप की एक एप्लीकेशन आती है, जो कि गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, और गाइस डाउनलोड करके रखी होगी बहुत से लोगों ने। तो गाइस, सिंपली आपको टैप टैप की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, देन उसके बाद में उसके अंदर जाना है, एपिक्स लेजेंड मोबाइल सर्च करना है। वहाँ पर गाइस आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, साइज होगा 1.20 GB। अब गाइस, ये डाउनलोड आपको कर लेना है फटाफट से। इस गेम को आप जब डाउनलोड कर लोगे तो सिंपली अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जब करोगे तो गाइस उसके अंदर से आपको इन गेम डेटा, यानी कि अंदर से रिसोर्सेस मांगेगा 1.25 GB का, अंदर से और डाउनलोड मांगेगा, और गाइस उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस आपको एक न्यू जीमेल आईडी बनानी है, बिल्कुल एक फ्रेश जीमेल आईडी, या फिर बिल्कुल एक फेसबुक की एक नई आईडी, यानी कि गाइस आपकी पुरानी आईडी से आप इसे लॉगिन मत करना, ध्यान रखना। अगर आप पुरानी आईडी से लॉगिन करते हो गाइस तो आपके में एरर कोड शो होने वाला है, आपके में ये गेम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना कि जीमेल की एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू आईडी, या फिर फेसबुक की जो भी उसके अंदर लॉगिन जिस मेथड से मांग रहा है उसमें आपको गाइस एक नई आईडी बिल्कुल फ्रेश बनानी है, देन उसके बाद उस आईडी से लॉगिन करना, गेम 100% चल जाएगा। और गाइस ध्यान रखना, बस आपको एक बार वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक बार आपने वीपीएन से गेम को चालू कर लिया, लॉबी के अंदर आ गए, डैशबोर्ड आ गया गेम का, तो उसके बाद में आपको वीपीएन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे आसानी से हर बार बिना वीपीएन के भी खेल सकते हो। तो गाइस बहुत ही सिंपल से ये मेथड हैं, आप आसानी से इन मेथड को फॉलो करके गेम को डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके एक एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन हमें फील होता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।